इस्तीफा देने के बाद अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल सरकारी मकान खाली करेंगे और सरकारी सुविधाएं छोड़ेंगे। इसी की जानकारी देने हेतु सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, जिससे दिल्ली की जनता बेहद दुखी है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा देने के लिए सीएम पद से इस्तीफा दिया है और अब जनता उनकी ईमानदारी पर मुहर लगाएगी और फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी। वहीं संजय सिंह ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री कई प्रकार की सुविधाएं केजरीवाल को मिली थी और अब इस्तीफे के बाद केजरीवाल ने सभी सुविधाओं को छोड़ने का फैसला किया है। इसके साथ ही आप सांसद ने केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े किए और चिंता व्यक्त की। कल अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके इस फैसले से दिल्ली की जनता दुखी है, गुस्से में है, नाराजगी में है कि एक ईमानदार मुख्यमंत्री को जिसने दिल्ली की जनता के लिए एक नहीं अनेक काम किए, उनको इस्तीफा देना पड़ा। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देने की जरूरत क्या थी। उन्होंने तो ईमानदारी से दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, फिर क्या आवश्यकता थी उनको इस्तीफा देने। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। भ्रष्टाचार के झूठे आरोप उनके खिलाफ खड़े किए गए, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहां तक का सफर तय किया है और ईमानदारी से दिल्ली के लोगों की सेवा की है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में फैसला भी दे दिया एक ऐसे मामले में जिसमें जमानत मिलना लगभग नामुमकिन होता है। कोई और नेता होता तो कहता कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जमानत मिल गई काफी है। कोई और नेता होता तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया, जमानत दे दी, अब अपने पद पर बना रहूंगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तय किया हम जनता की अदालत में जाएंगे। जनता की अदालत में जिसकी सेवा हमने ईमानदारी से की है पिछले 10 सालों में, हम उनके पास जाएंगे और उनसे अपनी ईमानदारी का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा है दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत के साथ अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का प्रमाण पत्र देगी कि उन्होंने पूरी सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ दिल्ली के लोगों की सेवा की है। मुख्यमंत्री के तौर पे बहुत सारी सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को मिलती हैं, अरविंद केजरीवाल को भी वो सुविधाएं मिली हैं। कल जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो पहली बात उन्होंने की कि अब हम ये सारी सुविधाएं छोड़ देंगे, मुख्यमंत्री को मिलने वाली सारी सुविधाएं छोड़ देंगे। बाकी नेताओं की हालत हम जानते हैं, अगर कभी किसी पद पे पहुंच गए, कोई सुविधा मिल गई तो उसको नहीं छोड़ने के लिए सालों साल लड़ाई लड़ते हैं, घर से मकान से चिपके रहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने फैसला किया है कि वो, उन्होंने कहा हम अपना मकान खाली करेंगे, हम अपना घर खाली करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर हम अपना घर खाली करेंगे। उनकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल है, एक नहीं कई बार उनके ऊपर हमले हुए। हमने उनसे कहा, समझाने की कोशिश की कि आपकी सुरक्षा को खतरा है, कई बार आप पे हमला हो चुका है, मां बाप घर में थे उस वक्त भी उनके घर पे हमला हो चुका है, उनके बूढ़े मां बाप हैं, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर हम सब चिंतित हैं। हमने समझाने की कोशिश की कि ये घर सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पे ही नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी जरूरी है, घर छोड़ के लोगों के बीच में रहेंगे, आम लोगों के बीच में रहेंगे, अभी तय नहीं है कहां रहेंगे, लेकिन आप सबके प्यार से, आशीर्वाद से
कोई ना कोई ठिकाना तय होगा जहां पर वो रहेंगे। तो अब दिल्ली के लोगों को तय करना है, दिल्ली के लोगों को अब संकल्प लेना है, दिल्ली के लोगों को अब जवाब देना है। जनता की अदालत में अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे और मुझे पूरा यकीन और भरोसा है कि जनता की अदालत से अपनी ईमानदारी का, प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेके आएंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहले नेता है अरविंद केजरीवाल जो सीना ठोक के कह रहे हैं ईमानदार हूं तो वोट देना, ईमानदार नहीं हूं तो वोट मत देना। अपनी ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं।